हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का बहुत ही टेस्टी हलवा। जब भी कभी आपका मन मीठा खाने का करे तो आप इस मेथड से सूजी का बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनाकर खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमें हलवा बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए। हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी घी। यहाँ मैंने प्योर घी लिया है, आप चाहें तो कोई भी प्लेन घी का यूज़ कर सकते हैं। 10 से 12 काजू, 7 से 8 बादाम, इसे मैंने एक टुकड़ों में काट लिया है। 10 से 12 किशमिश, 1 कटोरी केसर वाली दूध। यहाँ मैंने गर्म दूध में 5 मिनट के लिए 10 से 12 केसर के रेशे डालकर रख दिया था। इसके साथ ही हमें चाहिए 2 कटोरी पानी। यहाँ मैंने पानी, जिस कटोरी से मैंने रवा लिया है उसी कटोरी से उसका दुगुना मैंने पानी लिया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इसमें घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इस काजू और बादाम के टुकड़ों को इसमें डालकर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह चलाते हुए भून लेना है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भुनेंगे। हलवे में हल्का भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स डालने से हलवे का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। 1 से 2 मिनट हो गया है, ड्राई फ्रूट हमारा ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में किशमिश को डालकर within 30 सेकेंड में इसे निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। हो गया, ये देखिए किशमिश हमारा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी घी में सूजी डालकर भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है और इसे 5 से 6 मिनट इसी तरह चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इसे यूं ही चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। यहाँ मैं हल्का मोटा सूजी यूज कर रही हूँ। हलवे के लिए हल्का मोटा सूजी बहुत ही बढ़िया होता है, इससे हलवा बहुत ही दानेदार बनता है। सूजी को भुनने में हमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अगर हम जल्दबाजी में सूजी को फुल फ्लेम पर भूनते हैं तो वो जल्दी ही गोल्डन ब्राउन तो हो जाती है, लेकिन वो अंदर से कच्ची ही रह जाती है और इसमें वो स्वाद नहीं आ पाता है। सूजी के स्वादिष्ट और दानेदार हलवे का सीक्रेट तो यही है कि इसे 5 से 6 मिनट का वक्त देते हुए सुनहरा होने तक भुने। यहाँ मैंने 5 से 6 इलायची को छिलके के साथ ही कूट लिया है। इस कूटी हुई इलायची को अब हम इस सूजी के साथ भून लेंगे। रवा भी हमारा लगभग हो चुका है, देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी। इलायची को हमें इसमें तब डालना है जब हमारी सूजी हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी हो, तब हम इसमें इलायची डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं सूजी का रंग सुनहरा हो चुका है, इससे अब अच्छी खुशबू भी आने लगी है, इसका मतलब हमारा सूजी हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये 1 गिलास पानी मैंने लिया है। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसका डबल पानी मैंने लिया है। अब हम इस पानी को इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने
3/4 पानी ही इसमें डाला है, बाकी के 1/4 हम बाद में डालेंगे और इसे चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में हम ये चीनी डाल देंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये केसर वाली दूध अब हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। केसर वाला दूध यहाँ ऑप्शनल है, अगर आप सर्दी के दिनों में हलवा बना रहे हैं तो केसर को डाल सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन दूध डालें। सूजी के हलवे के लिए आपको समान अनुपात में सूजी, चीनी, घी और दूध लेना है, और पानी को सूजी का डबल लेना है, मतलब 1 कटोरी सूजी तो 2 कटोरी हमें पानी लेनी है। इसे इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। देखिए अभी हमारी सूजी कच्ची ही है, इसे 3-4 मिनट लगेंगे पकने में। ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं, हलवा हमारा लगभग हो चुका है। हमने इसमें 1/4 बचे हुए पानी भी बाद में डाल दिए हैं। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स हम रख लेंगे बाद में गार्निश करने के लिए। किशमिश से भी हम गार्निश कर देंगे और मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देखिए सूजी का बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार हलवा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरे हलवे की रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।